ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की लेटेस्ट जानकारी के लिए कार मेरे यार सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को पुश करें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, कार मेरे यार के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, नई होंडा सिटी फिफ्थ जनरेशन लॉन्च कर दी गई, इसके साथ साथ ही फोर्थ जनरेशन भी चलती रहेगी। जैसे कि पहले उन्होंने बताया था वैसा ही अब चल रहा है। अब इसकी कीमतें भी अनवील हो गई हैं तो उनके वेरिएंट्स भी साथ में आ गए हैं, तो देखते हैं कि कौन सा इसका वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है और अब हमें फोर्थ जनरेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी बात को। पहले बात करते हैं कीमतों की, डिफरेंसेस की, उसके बाद बात करेंगे वैल्यू फॉर मनी पैकेज की, फिर क्या हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। शुरुआत करते हैं दोस्तों इसके पेट्रोल के वेरिएंट से। खासियतें दो बहुत अच्छी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहली बात कि पेट्रोल और डीजल दोनों के अंदर गाड़ी आई है, और दूसरी बात पेट्रोल की जो इसका बेस वेरिएंट अब गिना गया है उस बेस वेरिएंट के साथ ही इन्होंने सीवीटी ट्रांसमिशन भी दे दिया है। यानी कहने का मतलब है कि इनके इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अब तीन रखे गए हैं ट्रांसमिशन, तीन वेरिएंट्स रखे गए हैं और तीनों के तीनों वेरिएंट्स के अंदर सीवीटी ट्रांसमिशन भी मिलेगा, लेकिन डीजल के अंदर ऑटोमेटिक की सुविधा अभी भी नहीं है। बात करते हैं दोस्तों इसके, तो इस गाड़ी के अंदर दोस्तों थोड़ा सा प्रीमियमनेस देने की कोशिश की गई है। पिछले फोर जनरेशन के अंदर हमारे वेरिएंट शुरू होते थे SV से, इसके अंदर हमारे V से शुरू हो रहे हैं, यानी कि फोर जनरेशन के अंदर हमें SV वेरिएंट भी मिल पाएगा, लेकिन फिफ्थ जनरेशन के अंदर हमारे पास V वेरिएंट से कीमतें शुरू होती हैं, तो हम V वेरिएंट से ही शुरू करते हैं। तो पहले शुरुआती कीमत 10,99,900 यानी कि 10,89,900 रुपीज़ कीमत रखी गई है SV वेरिएंट की। फोर जनरेशन की थी 10,65,900, कीमत का डिफरेंस 24,000 रुपये का है। अगर बात करूं दोस्तों VX के मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर 12,25,900 रुपये का है, जो पिछला जनरेशन है 11,82,000 रुपये की है, जिसके अंदर 43,900 रुपये का डिफरेंस है। अगर बात करूं V के CVT वेरिएंट की तो 12,21,900 रुपये का है, जो कि 12,01,000 का पहले था, 18,900 रुपये की कीमत का फ़र्क है। अगर बात करूँ टॉप वेरियंट ZX मैनुअल ट्रांसमिशन की तो 13,14,900 अब है और 13,01,000 पहले होता था, सिर्फ और सिर्फ 13,900 रुपये का फ़र्क है। अब VX का जो CVT वेरिएंट आता है वो 13,55,900 का अब है, पहले 13,12,000 रुपये का था, डिफरेंस 43,900 का। ZX CVT 14,50,000 रुपये का है, वो 14,31,000 का पहले होता था, डिफरेंस 13,13,900 रुपये का है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं टॉप पे वेरिएंट पे जाते जाते ये वेरिएंट के जो कीमतें हैं वो का डिफरेंस जो बीच में वो ख़त्म हो जाता है, यानी कि प्रीमियम गाड़ी की तरफ ध्यान देने की आपकी कोशिश की जा रही है। अब बात करो अगर डीजल वेरिएंट्स की, तो डीजल वेरिएंट इसके बंद कर दिए गए थे कुछ देर पहले, अब इसके अंदर डीजल वेरिएंट आ रहे हैं जो कि कीमतें कुछ इस प्रकार से हैं। वी मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है सिर्फ 13,39,900, VX 13,75,900, ZX 14,64,900, ऑटोमेटिक कोई भी सुविधा नहीं है। अब दोस्तों इसके अंदर जो इंजन की दोस्तों अगर बात करो तो कोई भी बदलाव नहीं किए गए। 1.5 लीटर का पेट्रोल, 1.5 लीटर का डीजल, 1.5 लीटर का जो पेट्रोल आता है उसके अंदर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है जो कि 121 PS की पावर 145 Nm की टॉर्क के साथ जनरेट करता है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, 7 स्पीड का CVT ट्रांसमिशन मिलता है। अगर बात करूँ डीजल की, तो पहले जो आता था 1.5 लीटर का डीजल इंजन वही है, इसके अंदर 100 PS की पावर, 200 PS की 200 Nm की टॉर्क के साथ ही गाड़ी जनरेट करती है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 6 PS से स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिल पाएगा। माइलेज की अगर बात करूं पेट्रोल के अंदर 18 से 20 की और डीजल के अंदर हमें 24 से 25 की बेहतरीन माइलेज हमें मिल जाती है। जानी जाती है दोस्तों ये गाड़ी अपनी रिलायबिलिटी, ट्रस्ट के कारण पेट्रोल में पर्टिकुलरली, और वहीं पे इन्होंने इंटैक्ट रखा है बहुत अच्छी खूबसूरती से अपनी पावर को और अपनी माइलेज को मेंटेन करके चली है गाड़ी। वेरिएंट्स के अंदर फीचर्स की बात करते हैं, वी वेरिएंट जो 10,90,000 के करीब का हमें पड़ता है, उसके अंदर हमें बेस वेरिएंट से ही सेफ्टी में ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एयरबैग्स, ABS, EBD, मल्टी एंगल रियर व्यू कैमरा, जो कि इन्होंने पहले बताया था हमारी ये खासियत हो जाएगी। हालांकि इसकी रेजोल्यूशन कुछ खास नहीं है स्क्रीन के ऊपर, लेकिन फिर भी मल्टी एंगल कैमरे की ऑप्शन हमें दे दी गई है। रियर पार्किंग सेंसर्स, हिल होल्ड असिस्ट, टायर डिफ्लेक्शन वार्निंग, LED DRLs, फ्रंट फॉग लैंप्स, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम बेस वेरिएंट से दे दिए गए, जिसके अंदर 4 स्पीकर हमें दिखने को मिलेंगे, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की सुविधा के साथ, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन और होंडा कनेक्ट की टेक्नोलॉजी 5 साल की पैकेज के साथ हमें मिलती है। इसके साथ हम एलेक्सा भी बेस वेरिएंट से मिलना शुरू होता है, जो अमेजोन का प्रोडक्ट है, और रिमोट स्टार्ट की सुविधा
हमें सिर्फ और सिर्फ सीवीटी के साथ, क्योंकि वो सेफ्टी के प्रिकॉशंस के कारण हमें मैनुअल में नहीं मिल पाती, सीवीटी के अंदर हमें मिल पाएगा। बेस वेरिएंट से ही क्लाइमेट कंट्रोल, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, R15 मल्टी स्पोक अलॉय व्हील्स और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें इस गाड़ी में मिल पाएगा। अब दोस्तों ये जो बेस वेरिएंट इन्होंने बनाया है ये कहीं ना कहीं एक अच्छा एक स्टैंड बनाने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि हमने WRV में देखा, बेस वेरिएंट से ही टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और काफ़ी सारी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं अपनी गाड़ी को प्रीमियम रेंज में रखने के लिए। VX की बात करता हूं मैं, 12,25,900 रुपये का, जिसके अंदर की हमें 13,600 रुपये, जिसके अंदर हमें 1,36,000 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं बेस वेरिएंट से। साइड एंड कर्टन एयर बैग्स इसके अंदर मिल जाते हैं हमें, ऑटोमेटिक हेडलाइट्स मिल जाती हैं, ऑटो डिमिंग आई रिवर विंग्स मिल जाती हैं, इलेक्ट्रिक सनरूफ, और इसके अंदर टायर साइज़ पहले R15 था अब R16 हो जाएगा, हालांकि है अलॉय व्हील्स ही। 4 स्पीकर्स और साथ जुड़ जाएंगे, टोटल 8 स्पीकर का सेट मिल जाएगा इसके अंदर। अब इसके अंदर जो MID है उसके अंदर 17.7 सेंटीमीटर का LCD क्लस्टर भी साथ में जुड़ जाएगा। अब दोस्तों अगले वेरिएंट की बात करता हूँ, ZX की, 13,14,900 रुपये का है पेट्रोल के अंदर, जिसके अंदर की हमें तकरीबन 90,000 रुपये, 89,000 रुपीज़ और पे करने पड़ते हैं। अब इसमें क्या है, फुल बेल्स एंड व्हिसल्स हैं, लेन वॉच कैमरा, LED 9 स्लैट का एक पूरा सेट हमें मिलता है हेडलैम्प का दोनों साइड्स पे, जिसके अंदर की 4 हमें लो बीम और 5 हमें हाई बीम की बीच में लाइट्स मिल जाती हैं, और उसके अंदर फ्रंट LED फॉग लैंप्स हैं, लेदर सीट्स, रिमोट पावर विंडोज़, क्रूज़ कंट्रोल और ऑल पावर विंडोज़, एंटी पिंच गार्ड, एम्बियंट लाइटिंग, ये सारी चीज़ें हमें टॉप वेरिएंट ZX के अंदर सारी बेल्स एंड विसल के साथ मिल जाती है गाड़ी। अब दोस्तों मैं अगर वैल्यू फॉर मनी पैकेज की बात करूं इसके, तो 1,36,000 रुपये एक्स्ट्रा लगाना मेरे को तो VX पे ऊपर तुक नहीं बनता दिख रहा, तो वी वेरिएंट मेरे को बेस वेरिएंट इसका वैल्यू फॉर मनी लगता है, चाहे किसी में भी ले लीजिए। CVT के अंदर भी बहुत अच्छी सारी बेल्स एंड विसल्स आपको मिल जाती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसके बगैर का गुजारा नहीं है, कुछ बाहर से हमें लगवाना नहीं पड़ रहा, एयर बैग्स मिल रहे हैं, हिल होल्ड असिस्ट मिल रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसके लिए हमें सारा डैशबोर्ड खुलवाना पड़ता था, अब कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। स्पीकर्स 4 हमें साथ में मिल रहे हैं, तो सारी हमें जितनी भी बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो सारी मिल रही हैं। तो मेरे हिसाब से इसका दोस्तों बेस वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है। आप नीचे बताइए कि क्या अभी भी आप इसका 4th जनरेशन लेना चाहेंगे। मेरे हिसाब से जिसने 4th जनरेशन लेना है वो बेस वेरिएंट के लिए लेगा, क्योंकि इसके तकरीबन 1,00,000 रुपये का फ़र्क है जो बेस वेरिएंट है। अब जो गाड़ी नई जो आई है, अगर उन्होंने किसी ने भी SV वेरिएंट लेना है तो तभी 4th जनरेशन पर जाएंगे, अगर V वेरिएंट पर लेना है तो डेफिनेटली बिग यस है मेरी तरफ से 5th जनरेशन को, क्योंकि इसके अंदर फुल बेल्स एंड विसल मिल जाती है, नई टेक्नोलॉजी और नई गाड़ी आपको मिल जाएगी, नई बनावट की गाड़ी आपको मिल जाएगी, तो ये सारी चीज़ें इसके पक्ष में जाती हैं। और मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अगर ये 6 या 7 महीने बाद इसके ऊपर अच्छे खासे डिस्काउंट मिलने शुरू हो जाएंगे जो 4th जनरेशन कार है, क्योंकि मेरे हिसाब से उसका बेस वेरिएंट ही वैल्यू फॉर मनी रह गया, अब और तो कुछ रह नहीं गया उसके अंदर। तो बताइएगा दोस्तों ये अपडेट आपको कैसी लगी, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ रहें, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।